यूपी वाला ठुमका लगाओ। आज हम डीआईडी सुपर मॉम्स के मंच पर सेलिब्रेट करेंगे गोविंदा स्पेशल। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली हीरो नंबर वन गोविंदा। संजू संजू तुझे भी नचाओ के रोज से नाच के दिखाओ। न थके हैं पाव कभी ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। क्या बात है। मेरा ये सोचना है कि ये माताओं की कृपा ही है जो हम जैसे अनपढ़ लोग विरार से निकलते हैं और हीरो नंबर वन हो जाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी के, दंडवत प्रणाम करता हूँ और सब माताओं के लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं प्रदान करता हूँ। जैसे मैं सदैव कहा करता हूँ कि जो डांस आप लोग करती हैं वो कहीं दिखता नहीं है पर होता हर जगह है, पूरी दुनिया में चलता है। और लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन। फैंटास्टिक। ये बस जोरदार तालियां हो जाए गोविंदा जी के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गोविंदा स्पेशल और बुलाते हैं आज के पहले परफॉर्मर को। गोविंदा स्पेशल में प्रेजेंटिंग मुंबई महाराष्ट्र से मम्मी नंबर वन सादिका खान विद डांस गुरु विवेक चरचरे। What a
परफॉर्मेंस गाइस, जोरदार तालियां हो जाए साधिका और विवेक के लिए. व्हाट अ परफॉर्मेंस यार. सबसे पहले मैं बोल दूं, आई लव ऑल द सॉन्ग्स ऑफ गोविंदा सर, लेकिन सबसे टॉप थ्री अगर बोले तो ये एक गया मेरा गाना. क्या बात है. लेकिन इस गाने को लेके एफ्रो स्टाइल का जो आपने इसमें मिक्स किया है, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस होल थिंग. The footwork was outstanding. The body language was outstanding for that. क्योंकि ये form जो है, इसमें body language का बहुत important होता है. And then thank God, मैं wait कर रहा था कि वो signature step आना चाहिए, and वो भी आया. It is so nice to see a super mom coming here and showcasing dance के ऐसे forms जो बड़े-बड़े dancers कभी कभी बोलते हैं, नहीं मत करो, ये मेरे से नहीं होएगा. साधिका, ये हैट्स ऑफ टू यू. फॉर मी दिस वाज आउटस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. फैंटास्टिक. साधिका, आप कहीं कहीं तो ऐसे कमाल कर रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे फिल्म से भी आपने कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाए. थैंक यू सो मच सर. गॉड ब्लेस यू. साधिका और विवेक के लिए. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. यार तुम्हारी तो मतलब आदत ही हो रही है, जब आ रही हो सर्वोत्तम परफॉर्मेंस लेकर यहाँ से जा रही हो. उससे भी ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि एक तो गोविंदा सर का गाना था, आज उनके सामने परफॉर्म करना वो एक अलग ही लेवल का चैलेंज है. सर के एक्टिंग बोलो, डांस बोलो, स्टाइल बोलो, अपियरेंस, उनकी पिक्चरें, उनका मूव्स, उनके एक्सप्रेशन, हर चीज के, जैसे पूरा इंडिया फैन है वैसे मैं भी हूँ. मैं तो हूँ ही, मेरी मम्मी सबसे बड़े फैन है उनके. अच्छा. अम्मी तो मतलब अम्मी आप खुद बताइए. आओ. अम्मी को शर्म आ रही है. अम्मी, इससे पहले तो आप कभी ऐसी शर्माई नहीं थी जितना आज शर्मा तो रही है. आखिर ऐसा क्या हुआ? अरे मम्मी, आज हेल्प भी लग रही है मम्मी को. अरे आज नहीं तो ऐसे एकदम दादा बनकर आती है. अरे मैं बताती हूँ आज इतनी शर्मा रही क्यों है? अरे एक बार देख तो लो गोविंदा जी को. देख तो रही हूँ, आज थोड़ी नया थोड़ी देख रही हूँ. पहले मिल चुकी हूँ. मतलब वो मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं उनको एक महीना तक पूरा लगातार देखी हूँ. तीस साल पहले शोला सपनम की शूटिंग हो रही थी ना हमारे एरिया में, उनका कपड़ा भी मुझे याद है, काला सैंडो पहने थे, काली जींस. यहाँ पे मार लगी हुई थी, इधर पे मार लगी हुई थी पिक्चर में जो शूटिंग कर रहे थे. तो मतलब आप घर पे थी और आपको पता चला कि क्या? बच्चे सब छोटे छोटे थे, ये वसीम सलीम सब इतने इतने थे. अच्छा. और मैं क्या करती थी, इन लोग को ताले में बंद कर देती थी सुबह. अच्छा. और 12 बजे इन लोग को खाना उन्हें खिला के और निकल जाती थी सुबह से जाके 5 बजे तक. डेली इनकी शक्ल देखने के लिए कोने कोने से घुस घुस के कैसे भी देखती थी. जब छतरी के नीचे आके बैठते थे तब कि उधर से धक्का मार के भगा दे रहे, चलो उधर चलो उधर चलो. वहां से घुसते थे, वहां से घुसते थे. 30 साल पहले आप जैसे दिखते थे अभी भी वैसे ही दिखते हो. मैं शोला शबनम का आपको एक किस्सा सुनाऊंगा. ये जहाँ पे ये जिस वक्त ये कह रही है, उस वक्त वो सिटी नहीं था, कुछ मतलब भी नहीं था. हाँ, वो शहर उस वक्त वीरान था और कपड़े वहीं पे हम लोग चेंज करने लगेंगे तो ए उधर देख चल, ए इधर नहीं देख चल, ए ए चल ए, ऐसे सब ये सब हुआ करता था. शोला शबनम में आदरणीय मेरे साथ में मेरी जो एक्ट्रेस थी वो बहुत मस्तीखोर हुआ करती थी. वो साहब में कह के कपड़ा कब ये चेंज करने वाला है चिची? पहले क्यों चिची का, जब कपड़ा चेंज कर रहा होगा मैं इसकी फोटोग्राफ खींचूंगी. अच्छा.
तो चिल्ला चिल्ला कह रही थी, ए इसका चड्डी उल्टा है। लेकिन अम्मी मुझे एक बात बताओ, गोविंदा जी की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है? सबसे अच्छी है स्वर्ग। स्वर्ग मैं तो कम से कम 20 से 25 बार देखी हूँ। अब सर को तो मेरे को डायलॉग सुनाना पड़ेगा आपको। कौन सा? स्वर्ग पिक्चर का। दो लाइन बोल दीजिए बस हो जाएगा। हाँ। हाँ, हाँ, मैं चोर हूँ, मुजरिम हूँ, कातिल हूँ। जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। मैं जानता हूँ आशा, तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता। कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझ के अपने जिस्म नहीं बेचती। आगे आदमी, क्या बात है यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन, व्हाट अ परफॉर्मेंस सर, सर मतलब आई स्वेयर टू गॉड सर, व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या बात है सर, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। जो क्वालिटी तुम में वो किसी में आज तक मैं देखी नहीं हूँ। ये मैं दिल से बोल रही हूँ, एक माँ के दिल से दुआ निकल रही है, हमेशा खुश रहोगे और हमेशा ऊंचाई बुलंदी पे रहोगे। क्या बात है, घर हमेशा खुश रहेगा। क्या बात है। अरे बोलो क्या बात है। क्या हुआ अम्मी, आज देखा लगी क्या है ये? अच्छा मुझे याद आ गया, मम्मी को वो डायलॉग बोलना है। क्या है? अपने आपको बुलाया तो हमको समझ लियो कितना ना चाह रहे हो। आप भीड़ उड़ नंबर वन हो। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा। बोलिए। कम से कम एक टाइम मेरे साथ खाना खाइएगी आप। आपके जो हुजूर है, आपका आपका इस्मे शरीफ क्या है? मोहम्मद सुल्तान शेख। आप आइए मोहम्मद साहब, साथ में लेके आइए, खाना खाते हैं। आई यू वेलकम टू माय होम। क्या बात कर रहे हो, ये देखो ये मुस्कुराहट देखो। तो चलिए फिर, वोटिंग लाइंस खुल चुकी है, यानी कि जनता के वोट्स और जजेस के मार्क्स को मिलाकर फैसला होने वाला है कि आने वाले हफ्तों में कौन हमारे साथ रहेगा। तो मैं चाहूंगा जल्दी से एक वोट अपील कर लीजिए ताकि जनता आपको ढेर सारे वोट कर सके। हिंदुस्तान की तमाम जनता से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज मिस कॉल दीजिए। आप मुझे Zee5 ऐप पर जाकर भी वोट्स दे सकते हैं। थैंक यू। Please vote for us. Thank you. ढेर सारे वोट करते रहिए और याद रखिए कि इनकी वोटिंग लाइन खुली हुई है मंडे सुबह 9 बजे तक। So please vote for Sadhika. Alright, बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। गोविंदा स्पेशल में प्रेजेंटिंग फ्रॉम गुवाहाटी आसाम, फूडी नंबर वन सुपर मॉम, जो सपने में भी रहती है खाने के आसपास, बबली भट्टाचार्जी दास विद डांस गुरु रुतजा। धोखेबाजों का चलन है साहब, वफा करने वालों की कहां कदर है। जो धोखा करना सीख जाते हैं जना, हर शख्स उन्हें धोखेबाज लगते हैं। गोविंदा जी तो हो जाए लावनी का ठसका।
ये मराठी नहीं है नो लड़की डांस गुरु मराठी ये एक बंगाली अच्छा गुरु मराठी है आसाम से आदरणीय बबली जी बहुत ही कमाल की मतलब जो वो कहते हैं कि जो वो छोटी-छोटी जो हरकतें निकल रही थी आप में से नखरे से भी ज्यादा मैं कहूंगा नाटकबाजी जो थी जो लावणी में बहुत जरूरी होती है नाटक वो बहुत अच्छा लग रहा था आपको कुछ याद नहीं आया कॉस्ट्यूम के साथ हा? आपको कुछ खुद का याद नहीं आया जब आपने कॉस्ट्यूम देखा था आंटी नंबर वन हाँ अरे हाँ इस एक्ट की आपको तारीफ करनी हो जी तो आप कैसे करोगे हाँ 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 ये मतलब वही स्टाइल में ये यही इसमें ए आसो कसे काय हे लावले मैंने देखा दिखा तुम लोग रहे थे और जो कर रहे थे वो देखने के पीछे क्या था तुझे क्या लगता है मेरे समझ से बाहर है क्या अतः क्या करूं तारीफ करूं मस्त है मतलब के मस्त है क्या बात है यार जोरदार ताले हो जाए गोविंदा जी के यार पब्ली सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आपने एक ऐसा डांस फॉर्म किया जो आपने इसके पहले कभी नहीं किया था करेक्ट हाँ सर जो आपने लावणी का ठसका दिया जो पोशन था आउटस्टैंडिंग तुम जो ऐसा करोगे मतलब वो एक जो पहला वाला था ना फर्स्ट वाला ऐसा करोगे अमेजिंग उसके बाद वापस ऊपर गए उसके बाद वो जो हरकत की आपने स्लो वाले में That is mostly सर का वो है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई सही तरीके से और अच्छी तरीके से करता है तो वो सर है बिल्कुल सही का क्या बात है परंतु ये जो कह रही थी आप तुम तो धोखेबाज हो आप बंगाली है हाँ बंगाली चलबे ना दादा वो इसलिए कि ये दोष मुझ पे कभी मेरे बच्चों की हो माँ नहीं लगा पाई कि तुम धोखेबाज हो पर आप कहिए कि मैं कहाँ पे मैं ट्राई नहीं मारा हूं ये जो ये राइट में बैठी है हाँ आपके कभी मुझे घास नहीं डाला अच्छा ये जो लेफ्ट में बैठी हुई है ये तो सलमान की आई रही ये तो हमारे पास कभी आई ही नहीं और फिर इनकी जिस वक्त शादी हुई
तो बहुत ही मेरे खास मित्रगण में थे जो थे, उसी से शादी की। अच्छा। तो मतलब देख ही नहीं सके उस तरफ मतलब कभी। और एक बहुत ही फेवरेट थी, बहुत ज्यादा। मैं सुनीता से कहा करता था, सुनीता ये मिली होती तो शायद तू नहीं मिली होती। तो कौन थी? तो आदरणीय माधुरी दीक्षित जी। अच्छा। क्या बात है यार, फैंटास्टिक। सर गोविंदा सर, हाँ जी कहिए। हर शूट पे मेरे परफॉर्मेंस के बाद खाना आता है सर, ठीक है? और वो खाना सर मुझे छोड़ के सबको मिलता है। यहाँ पे सब बैठी मम्मियाँ मुझे पूछती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कब है, तुम्हारा कब आएगा कब आएगा, लेकिन वो एक्चुअली मेरे परफॉर्मेंस के लिए रुके नहीं रहते। उसके बाद जो खाना आता है उनके लिए रुके रहते हैं कि कब आएगा कब आएगा। लास्ट बार भी सर ने चमचम यहाँ पे बहुत सारे खाने थे, उन्होंने उनके लिए बोली लगाई, लेकिन सर ने ऑडियंस को दी। तो ये ढोकला हुआ हमारे ऑडियंस का, यहाँ पे बैठे सब गुरुस को दिए। रेमो सर आप मेरे सामने अकेले अकेले खा रहे हो। अरे वाह। सबको दिए, खुद भी खाए मेरे आंखों के सामने, लेकिन मुझे एक बार पूछा भी नहीं। सामने। सर को पता है कि मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं भूखी भी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े टाइम बाद बाद भूख भी लगती है। उस दिन गेम था, तो जो गेम हारेगा उसका सिंपल ना। कौन से तारीख को शादी हुई थी आपकी? ए फसा, ए फसा। अच्छा फटाफट बबली का बर्थडे बताओ। बर्थडे बताओ जल्दी, बर्थडे 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 7 अगस्त। नो रॉन्ग, आपको बर्थडे भी याद नहीं है। तो क्यों ना वो गेम वापस खेला जाए, यहाँ पर क्या करते हैं कि रेमो सर एक साइड पे रहेंगे, गोविंदा जी दूसरे साइड पे रहेंगे। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। अगर समझो गोविंदा जी ने सही जवाब दिया तो खाना आएगा बबली जी के पास, अगर रेमो सर ने सही जवाब दिया टाइम पे तो हम सब में बटेगा, ऑडियंस आप में भी बटेगा। तो जब भी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिसने पहले बजर दबाया, हाँ हाँ हाँ, जिसने बजर बजाया ये वही जवाब देगा, ठीक है ना? एक प्लेट उठा लो ताकि पता चल जाए कि किसके लिए हम लड़ रहे हैं। ऑल राइट, एक आइकॉनिक जोड़ी है, आपको उनका कोई भी एक गाना जल्दी से गाना है, ठीक है ना? गोविंदा सर और नीलम जी, ओके ओके, गोविंदा जी गाइए। नसे मिनसे नसागी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आके आ जाने से, आपके खाना खाने से। क्या बात है, तो ये गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन होता है बबली का। जोरदार ताले हो जाए। खा भी लिया। ओके, अगला सवाल, आपको स्क्रीन पर इमोजीज दिखाई जाएंगी, आपको गेस करके बताना है कि वो गाना कौन सा है, ठीक है ना? आप ही के फिल्म का गाना है, आपको वो गाना गेस करना है, ठीक है? सो इन 3, 2, 1 दिखाइए। गोविंदा जी। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे के अखियों से गोली मारे। एक किलो बात, लड्डू उठा ले बबली, लड्डू उठा ले, लड्डू हुए बबली के। अभी अगला सवाल, उसके लिए बताइए क्या उठाने वाले हैं आप? चमचम, रेमो सर के फेवरेट चमचम। अब
अब सवाल ये है कि एक धुन सुनाई देगी आपको, जिसने भी भोपू बजा के पहले गाने का नाम और उसका हुक स्टेप बताया तो वो जीत जाएगा। 3, 2, 1 गो। ओके 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 रेवो सर। नहीं नहीं धोखा है, धोखा है। ए, कोई बताएगा नहीं, कोई बताना नहीं है, मैं कोई नहीं बताएगा। ये मेरे माले में रहे। अब गाना तो आपने गेस कर लिया है, सही है स्टेप भी। अब गोविंदा जी के साथ यही अगर डांस हो जाएगा इसी गाने पे तो इसका ये नो आपको प्राइज मिलेगा। रेमो सर के काफी सारे चीजें तो मतलब बबली जी आपको मिल गए, थैंक गॉड। इस बार आपका पति नहीं था इस गेम में, तो फिर से भूखी घर जाती थी। मैं सुर में तो था। वेरी वेरी नाइस। किसी से यस निकला ही नहीं मुझसे। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो नीचे दिए नंबर पर प्लीज मिस कॉल दीजिए। आप मुझे G5 ऐप पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। अखंबा की राइस प्लीज 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 अमाक वोट करो। थैंक यू। और भाई बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। गोविंदा स्पेशल में प्रेजेंटिंग लखनऊ यूपी से सब पे भारी रिद्धि तिवारी विद डांस गुरु श्याम यादव। माँ माँ इधर आओ जल्दी, देखो ना कितना कमाल का हीरो है ये, क्या डांस क्या कॉमेडी सब में परफेक्ट, यही है मेरा हीरो नंबर वन। बेटा असली हीरो को तो तुमने अभी देखा ही नहीं है, उनको देख जाने कितने हीरो ने की है एक्टिंग शुरू, बाकी सब चेले हैं और सिर्फ एक है सबके गुरु। चल मैं आज तुझे उनसे मिलाती हूँ और किसे कहते हैं हीरो नंबर वन ये दिखाती हूँ। चैप्टर नंबर वन। बेटा टाइमिंग के बिना कॉमेडी और राइमिंग के बिना पोएट्री है अकेली, इसलिए जो इन दोनों में मास्टर हो वो है राजा भोज और बाकी सब गंगू तेरी। चैप्टर नंबर टू। जब ये पर्दे पे आते हैं तो किसी और के दिखने का बनता ही नहीं चांस, इनसे ही तो तेरे पापा ने भी सीखा है रोमांस। चैप्टर नंबर थ्री। जहां तक डांस का सवाल है ना बेटा, जमाना बीता है और बीत जाएगा,
लेकिन इनके जैसा डांस ना कोई कर पाया है ना कोई कर पाया। सड़कों पे जन्मा हूँ, सड़कों पे पलता हूँ, सड़कों पे जीवन गुजारा। बात कर रही हो माँ, ये है कौन, नाम तो बताओ। बेटा, जब कला लेती है अपना सच्चा आकार, तब कहीं जाके पैदा होता है एक ऐसा सुपरस्टार। ये है वो हीरो जिनके आगे सब है जीरो, हमारे गोविंदा सर, द ओरिजिनल हीरो नंबर वन। यही तो एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। वाओ, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं रॉकेट परफॉर्मेंस। सर सर, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम गोविंदा सर के सामने मतलब खड़े हैं, मतलब विश्वास नहीं हो रहा। पहले हमें विश्वास करना अपने पे, जाए। हाँ जाइए जाइए। सर एक बार डिंग 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 हम भी करेंगे, इसे भी करें, हम करेंगे आपके अब आप करेंगे डिंग 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 करिए डिंग 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 डिंग। क्या बात है यार, तो हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, बहुत मतलब कि मतलब सब कुछ जो सपना देखते आ रहे थे अपने बचपन से, मतलब चाइल्डहुड में नहीं पूरा हो पाया, शादी से पहले नहीं हो पाया, शादी के बाद भी नहीं हो पाया, जब माँ बने तब इस डीआईडी सुपर मॉम्स के मंच में हमको सब कुछ पूरा हो रहा है। मेरा पता है पूरा लखनऊ में जो जो हमारे जानने वाले हैं, हमने खुद से अपना नाम नहीं रखा लेडी गोविंदा, लोगों ने रखा है नाम हमारा लेडी गोविंदा। क्या बात है, इतनी पिक्चरें देखी है ना सर की, ऐसी कौन सी पिक्चर जो हमने देखी ना, कितने हैंडसम कितने खूबसूरत लगते थे और अभी भी मतलब एकदम झकास। सबसे फेवरेट मेरी पिक्चर वो है सर आंखें, जिसमें वाला गाना नहीं है, बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, वो वाली पिक्चर तो मेरी फेवरेट पिक्चर है सर। अरे वाह, वो नहीं है उसमें डी 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 डी, वो क्या था, वो भी करते ना एक बार बीच में आते हैं। देखिए आप कैसे
अब में मासूमियत है, ये लखनऊ के जितने लोग आए हुए होते हैं वो कभी तारीफ करते हैं तो पहले तो समझ में नहीं आता कि तारीफ ही कर रहे हैं कि ये तारीफ में इंसल्ट कर रहे हैं कि इंसल्ट में तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तमीज में कहा करते हैं। तो फिर ऐसा लगे कि यार बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ यूपी का है, लखनऊआ है, हाँ हिसाब किताब समझता है सब। हाँ तो ये देखिए आपकी मासूमियत कहाँ से झलक रही है, ये कभी एक पाँव पे खड़ी ही नहीं होती। आप देखिए दाएं बाएं चल रहा है इनका। ये बच्चे की मम्मी हो गई है, ये बच्ची ही है। बिल्कुल बिल्कुल बच्ची नेचर में आपके है। वो हम लोग यूपी वाले कहते हैं ना कि बचपना पचपना तक रहे बना, है ना। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये जिद करके लोग ठोक देते हैं आप पे कि भैया आपकी एज हो गई है अब आप थोड़ा सा तमीज में रहिए। कहा है भैया, किसने कहा है? कहा है तमीज में कहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ जैसे ऐसे मासूम टाइप के मुझे नजर आ जाते हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें से जो प्यार निकलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। रिद्धि एंड श्याम अमेजिंग। एक एक्ट में इनके गाने करना बहुत मुश्किल होता है, एक गाना करना भी मुश्किल होता है। आपने बहुत सारे गाने लेके उसको मेडली बना के किया है। जो स्ट्रीट डांसर में जिस तरीके से हर चीज आपने वहां पे पकड़ी वो बहुत अच्छा था। उसके बाद जो क्रिसेंडो था गोविंदा सर के कुछ हुक स्टेप्स थे, उसका एक जो मेडली बनाया था एंड का वो बहुत अच्छा लगा। गुड लक। सो मच सर, थैंक यू। आप सबके सामने मैं इनका और मेरा एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताना चाहती हूँ। तो जब मैंने पहली बार इनके साथ फिल्म साइन की थी तो मैंने बोला इस बार मैं कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूंगी कि एक सेकंड के लिए ही सही लोग मुझे भी देखें, क्योंकि ये ऐसे परफॉर्मर है कि जब वो स्क्रीन पर आ जाते हैं तो छा जाते हैं। बाजू में कोई भी कितनी भी खूबसूरत बला महिला जो भी आप कहिए जो भी कर रही है, मैंने तो कसम खाई थी कि मैं तो कुछ भी करूंगी। मैंने बहुत मेहनत की आज तक लगी पड़ी हूँ, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली कि इनसे नजर हटा के डांस करते वक्त कोई कहीं और देखे। कितने डांस स्टेप में कितना मसाला डालना है, कितना हिलना है और कितना रुकना है और कितना छोड़ना है और फेंकना है। सो भैया ये तो ये है। और आपको आज स्पेशल क्रेडिट जाता है कि आपने इनके चार जबरदस्त गाने अलग अलग तरीके के निकाल के उनको इस तरह निभाया। वेरी वेल डन, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू रिद्धि, आई लव यू। योर स्टार। ये देखो, थैंक यू सो मच। आज हम बताना चाहेंगे सर कि आज हमारी बेस्ट फ्रेंड आई है दो और हमारे हस्बैंड भी आए हैं, क्योंकि यही लोग मुझे बोलती है तुम लेडी गोविंदा हो, लोग लेडी गोविंदा हो, तो हम इनको बुलाना चाहेंगे। हम लोग चाइल्डहुड से इतने से ही साथ में हैं, साथ में शादी हुई, साथ में ही बच्चे हुए, साथ ही साथ पढ़े, सबको साथ ही साथ हुए। और आदरणीय आप साहब, ये इनके पति हैं। अरे ये तारुक है क्या? उनका नाम भी तो होगा। चंद्रकांत तिवारी। देखिए आवाज कैसे निकल रही है, बीबी के आगे यही हाल होता है। चंद्रकांत तिवारी। अरे चंद्रकांत तिवारी है आप ही लोगों से देख के तो ये डायलॉग निकल रहा है, इतनी खुशी। इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। क्या बात है यार। मेरे साथ साथ ना सारे जितने मेरे मोहल्ले वाले हैं उनको भी इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि रिद्धि यहाँ आएंगी इतने बड़े मंच पे। जैसे ये हमेशा कहती आई है कि मेरा अकाउंट नहीं है और मुझे एटीएम नहीं चलाना आता है, तो वो तो सर पीछे बात हो गई। अब जब से ये यहाँ आई है तब से ये कॉल करके हमेशा यही कहती है अब मुझे डांस क्लास खोलना है। डांस क्लास? तो हमने कहा पहले स्टूडेंट हम रहेंगे तुम्हारे। क्या बात है। तो सर लखनऊ में भी और मोहल्ले वाले सारे सब बहुत इनका वेट कर रहे हैं कि फटाफट जीते आए और स्टार्ट हो जाए इनका स्कूल। तो
मोहल्ले वालों की तरफ से कुछ लाए हैं सर, देखिए अभी आता होगा पीछे। आता होगा क्या? क्या लाइए लाइए, जरूर लेकर आइए। क्या लाया है? इतना बड़ा क्या है? ये क्या लाए भाई? देखिए तो सर, ये क्या है सर? उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अच्छा, वो उद्घाटन करना चाहती है गोविंदा जी के हाथों से उनका डांस स्कूल लखनऊ में। क्या बात है यार। देखिए, हम एक काम में कभी ऐसे काम नहीं करते थे, क्योंकि इसकी हम लोग अलग से पैसे निकालते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने जब उद्घाटन कर ही दिया है तो कुछ सर प्रचार चार भी थोड़ा कर दीजिए, ताकि लोग एडमिशन ले आके कुछ। आप एक काम कीजिए, थोड़ा पैसा भी ले लीजिए ना मुझसे। हमारी दिली तमन्ना है कि सर अगर आप हमारे साथ डांस करें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। रियल गोविंदा एंड लेडी गोविंदा एक साथ था डीआईडी सुपर मॉन्स पे। जोरदार तालियां हो जाए। अगर आपको हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो आप प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे मिस कॉल करें और जी5 ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी हमें वोट दे सकते हैं। तो रिद्धि तिवारी सब पे भारी, तो प्लीज वोट देना ना भूले। थैंक यू। चलो बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं अगले परफॉर्मर को। गोविंदा स्पेशल में प्रेजेंटिंग फ्रॉम लखनऊ यूपी, बातूनी नंबर वन, जो सच करने आई है अपनी शोहरत की कल्पना, अल्पना विद डांस गुरु वैभव घुगे। आज क्या वो इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? अरे सर, खुशी की बात ही, सामने देखिए एक बार। मैं तो कब से सामने ही देख रहा हूँ। मैं भी वही देख रही हूँ। आंखें पलक ऐसी झपक नहीं रही है मेरी। जब आदरणीय गोविंदा सर, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। और आप इतने बड़े हीरो नंबर वन है, जाहिर सी बात है आपके बहुत सारे फैन है, उनमें से एक छोटी सी मैं भी हूँ। ना छोटी तो नहीं हूँ, तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी हूँ। गोविंदा सर, कुछ मैंने आपके लिए मंगाया है। मिठू जरा प्लीज लेके आइए ना जो मैंने मंगाया है। मैंने सर आपके लिए स्पेशली लखनऊ से पान मंगाया है। पान जो बढ़िया होता है वो तो बनारस का होता है, लखनऊ के तो टुंडे खाते हैं। नहीं, लेकिन लखनऊ में बनारसी पान की बहुत स्पेशल दुकान है सर, मैंने वहाँ से पान आपके लिए मंगवाया है। क्या कह रहे हो? लखनऊ में बनारसी पान की दुकान है? नहीं, सर, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, खेच रही है। सर, देखिए सर, एक लखनऊआ पीछे पड़ी, कहती दुकान खोलनी है, दूसरी कह रही है हमारी दुकान बंद ही कर देनी है। सारा सारा सर प्रयोजन जितना भी कर रहे हो, गोविंदा स्पेशल नाम दिया है और स्पेशल बंद दुकान है। आप बैठो, आपका प्रोग्राम हो गया। सर आप पान मत खाइए सर, आप देख तो लीजिए पान को कि पान लाए कितनी दूर से। अरे हम आपका डांस देखेंगे, वो पाना ही तो है सर। हो जाए हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, उसके बाद करेंगे। ओके, पहला परफॉर्मेंस हो जाए। तो मैं सर क्या कह रही थी सर, आप सुनिए बाद में परफॉर्मेंस हो जाए। बेटा जरा ये फोन देखना, शायद खराब हो गया है। अभी चेक करता हूँ माँ जी। माँ जी, फोन तो एकदम सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि फोन एकदम सही है। अच्छा ठीक है।
बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे ये प्यार लिखे कैसी कैसी बेटा फोन में सच में कुछ गड़बड़ है एक बार फिर से चेक करके देखो ना प्लीज लाइए माजी माजी आपका फोन एकदम सही है मैंने आपको पिछली बार भी यही कहा था अगली बार तभी आना जब फोन सच में खराब हो ठीक है माजी माफ करना बेटा कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद बेटा एक आखिरी बार फोन चेक कर लो ना मुझे अभी भी लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है आपको समझ नहीं आता बार बार आते हो फोन खराब हो गया मैं कह रहा हूँ फोन सही है उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी जा रही है बेटा अगर ये फोन सही है तो फिर इस पे मेरे बेटे का फोन क्यों नहीं आता मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूल सकता वो मुझे रोज कॉल करता होगा पर ये फोन ही खराब है आप इसको ठीक करके दीजिए प्लीज अल्पना फोन खराब नहीं खराब हमारा नसीब है क्योंकि हमारा ही बेटा विदेश जाके हमें भूल गया है नहीं ये झूठ है हमारा बेटा हमें कभी नहीं भूल सकता हमें कभी नहीं भूल सकता नहीं भूल सकता हेलो बेटा हेलो हेलो कितनी अजीब बात है ना जिस बेटे को माँ बाप ने बात करना सिखाया आज वही बेटा अपने माँ बाप से बात करना भूल गया Outstanding. What a performance, guys. Zordar taaliyan ho jaye. Standing ovation from Memo, sir. सांस ले लीजिए पानी ला दी ठीक हो अल्पना जी आप यहाँ आई थी डांस करने के लिए आज आप परफॉर्मर बन गई क्या बात कही है थैंक यू सर
I'm very, very surprised. I'm very proud also. कि आपने इसमें वो डांसिंग दिखाई जो कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई सुपर मॉम जिसने कभी सीखा नहीं है वो ये परफॉर्म दे सकती है. वो ये लिफ्ट कर सकती है, वो ये हाथ पकड़ के रोल कर सकती है, वो कंटेम्प्रेरी के कुछ ऐसे पोर्शंस करती है जो लास्ट का जो फास्ट वाला था वो कर सकती है. Hats off to you. Outstanding. अब तक का जितना भी सफर था आपका ये बेस्ट परफॉर्मेंस है. क्या बात है, क्या बात है. आपसे तो आप मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप जिस तरह से आई थी हंस रही थी मस्ती कर रही थी कि आपसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतना सीरियस टॉपिक उठा के उस पर आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे. आपके अंदर जो है वो बात वो तो है ही है, हर माँ में हुआ करती है. बहुत सुंदर है वो, इसीलिए तो मुंह से पहले लफ्ज माँ ही निकलता है. चाहे जो जहाँ हो, तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, माँ ही मुंह से निकलता है. वजह यही है जो आपने भी एक्ट किया. इट वॉज सो वेरी नाइस. मे गॉड ब्लेस यू. अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल दीजिए और आप मुझे G5 पर जाकर भी वोट कर सकते हैं. और मुझे ढेर सारा वोट दीजिए क्योंकि वोट की बहुत जरूरत है. थैंक यू सो मच. तो याद रखिए कि वोटिंग लाइंस खुली है मंडे सुबह 9 बजे तक. 30 सीट. चलो बढ़ते हैं आगे. गोविंदा जी, आज पहली बार ऐसा हुआ इंडियन टेलीविजन पर कि गोविंदा जी और उर्मिला जी एक ही साथ मंच पर दिख रहे हैं. तो ये मौका हम छोड़ना नहीं चाहेंगे. अगर समझो वो आपके फिल्म का गाना अगर यहाँ पर आज परफॉर्म कर ले साथ में तो मजा आएगा. क्या कहती है ऑडियंस? जोरदार ताले हो जाए गोविंदा जी एंड उर्मिला जी के लिए. जवान में लुटाऊं ते जान में कल शुरू करे ये चाहतों का सिलसिला. मंचला जाति वाने न मेरा दिल चला. बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर. गोविंदा स्पेशल में प्रेजेंटिंग फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़ वो बीवी नंबर वन जो अपने पति को बनाने लाई है रोमांटिक रंगीला साजन अनिला राजन वे डांस गुरु श्वेता वॉरियर. सूर्य गगन चंद्रमा सभी देख जिसे हर्षाए. मैं उर्वशी. मैं रंभा. हम है इंद्र की अप्सराए. बादल है ये पंख हमारे नहीं रखते हम धरती पे पैर. आइए गोविंदा जी करते हैं इंद्रलोक की सैर. मेरा
क्या बात, बहुत ही अच्छा डांस था, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई सी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई सी। बिफोर वी टॉक एनीथिंग एल्स एट ऑल, वी वांट टू गो फॉर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक तो अप्सराएं डांस करें और भरतनाट्यम का एक्ट हो, क्या कमाल का थॉट है। हु इज गुरु, आपका क्या शुभ नाम है? श्वेता वॉरियर। मैं कहां कहां गया हूं और किस किस ने मेरे लिए क्या क्या परफॉर्म किया है, पर मेरे साथ टच में नहीं आ पाए वो। पर जिस वक्त ये अप्सराएं, दो अप्सराएं मिल के भरतनाट्यम कर रही थी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। क्या बात है, स्टैंडिंग ओवेशन। अनिला, आपको पता नहीं है, आपको इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट मिली है, yes. शायद आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि गोविंदा सर ने पूछा दोनों में से कोरियोग्राफर कौन है। वाह, अरे वाह, बिकॉज यू वर सो गुड। आपका जो स्टाइल है और इनका जो स्टाइल है वो इतना अच्छा मैच हुआ है कि आप दोनों को देख के लगता है कि आप बहुत टाइम से दोनों साथ में कर रहे हो। यू नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस। मेनका, उर्वशी, रंभा सब होने के बावजूद अनिला आपके पतिदेव पिघले की नहीं। गोविंदा जी, आपको मैं बता दूं, इनके पति जो है ना, ये रोमांस का र नहीं जानते। मेरे ख्याल से आप कुछ टिप्पणी दें उनको। देखिए, किसी भी तरह से आपके इसमें एक भी शब्द नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे पत्नी का भी यही रोना है। क्योंकि बच्चे जो है वो मेरी पत्नी की सेवा करते हैं, तो कहते हैं कि देखिए गोविंदा जैसा है वैसे ही बच्चे निकल रहा है, तो फिर तारीफ होती है। अच्छा, हाँ, ये करेक्ट है। मुझे तो मेरी हीरोइन के साथ भी रोमांस करने के लिए ट्रेनर लगी थी, तो सरोज जी का तो बाइक पे कहने लगी, गोविंदा कभी रोमांस नहीं किया है। लड़की के कभी किसने किया है? तो कभी नहीं हुआ मैम, कभी टच नहीं किया किसी। लो, हीरो किसने तैयार किया? तो मैं रोमांस नहीं सिखा पाऊंगा आपके, ये रॉन्ग चॉइस है।
आप कहाँ के रहने वाले? मैं छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। भिलाई छत्तीसगढ़ के हो? छत्तीसगढ़िया हो तो थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाओ यार तुम अपना। नेटिव प्लेस केरला का हूँ। नेटिव प्लेस? अच्छा, केरला का है। ओके ओके ओके, तमीज में ही रहेगा। तो मैं अब चाहूंगा कि एक वोट अपील हो जाए, सो गो फॉर इट। अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज मिस कॉल कर दिए। आप मुझे Zee5 ऐप पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। प्लीज डू वोट फॉर मी, थैंक यू। तो याद रखिए कि वोटिंग लाइन खुली है मंडे सुबह 9 बजे तक। और भाई बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। गोविंदा स्पेशल में आ रही है फ्रॉम सीकर राजस्थान से वो जो बहू नंबर 1 है, जिसने डांस से पाया है अपने पति का हौसला, सिमरत कौर खोसला विद डांस गुरु कुमार शर्मा। गोविंदा जी, सत श्री अकाल। महाराज, आसिफ भागड़ा होगा क्या? रुको जरा, सबर करो। सिमरत एंड कुमार, यार कमाल है। पहली बात तो उस गाने पे भांगड़ा कभी सोच भी नहीं सकते, और उसका टेम्पो भी स्लो करके जिस तरीके से आपने किया, वेरी वेरी नाइस। उसके बाद सेकंड हाफ में अपने रंग में आए, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। यू गाइज आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बीइंग अ पंजाबी, आप भांगड़ा अच्छा कर पा रही थी, और सारे डांस के जो आपके मूव्स थे, इट वाज लगा के जैसे कि नेचुरल आ रहे थे। और जिस वक्त आप कथक कर रहे थे, आपने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया उस टाइम पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट वाज अ रॉकिंग परफॉर्मेंस, आई वुड से लवली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सिमरत, मैं खास आपके लिए कहना चाहूंगी कि सब सुपर मॉम्स हैं और सब यहाँ पर आते हैं, और हर एक माँ का हौसला बढ़ाने के लिए या हौसला अफजाई करने के लिए उसका परिवार भी आता है। हम लोग सब जजेस भी यही कोशिश करते हैं कि आपका कहीं हौसला या हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, लगना चाहिए कि और बेहतर परफॉर्मेंस कराया जाए। सॉरी मैम, पर
क्या बात हुई? क्या हुआ क्या सिमरत? क्या हुआ सिमरत? क्या हुआ सिमरत? सुबह से मैम वेट कर रहे हैं इस मोमेंट का, सर के लिए, गोविंदा सर के लिए. तो आज वो मेरे सामने खड़े हैं एंड वो मेरी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि मैंने उनसे ही एज ए मेल डांसर शुरू किया अपना डांसिंग. और मैं कॉलेज में बहुत पट्टी वट्टी लगा के यहाँ और वो सब बहुत कर रही हूँ. स्पेशली उनका जो बकचिक की बक राजा बाबू, वो मैंने बहुत. अरे वो पक्षिक नहीं है, वो पक्षिक है. मैं मतलब मेरी आंखों में आंसू इसलिए भी हैं बिकॉज एक सपने से कम नहीं है आप सबके सामने अपने आप को इस तरह से देख पाना. सो इट्स रियली अ ड्रीम. थैंक यू सो मच ऑल द जी मेंबर्स, सुपर मॉम, डीआईडी, बहुत कुछ दे रहा है हमको, एक नई पहचान दे रहा है. और मेहनत करते जाएंगे बस. बिल्कुल. तो मैं अब चाहूंगा कि एक वोट अपील हो जाए. अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप मिस कॉल दे सकते हैं या फिर Z5 ऐप के ऊपर भी मुझे वोट कर सकते हैं. प्लीज 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 मुझे वोट करिए. थैंक यू सो मच. याद रखिए कि वोटिंग लाइन खुली हुई है मंडे सुबह 9 बजे तक. खुद को इंग्लिश आती नहीं लेकिन बच्चे को बनाना है अंग्रेज. इस चक्कर में बिल्लो पहुंच गई UK. पर कौन है बिल्लो का हस्बैंड? इस कंफ्यूजन में लग गई है सबकी लंका. कैसे और कब होगा ये कंफ्यूजन दूर, जानने के लिए देखिए ब्यूटीफुल बिल्लो ओनली ऑन Z5 11 अगस्त से. अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें.